News 18, India. आंकड़ा था तो ये बहुत बड़ा झटका था तृणमूल कांग्रेस के लिए। अब तृणमूल सबका साथ तो चाहता है ताकि वोट शेयर साथ में कंबाइन हो, लेकिन अपनी साख नहीं छोड़ना चाहता। तो वो चाहता है कि देखिए टिकटें हमारी हो, सीटें हमारी हो, वोट आप लोग कंसोलिडेट करें ताकि हम लोग बीजेपी को हटा दें। लेकिन ममता बनर्जी का कहना कि बीजेपी को अकेले हराने वाली सीधे चुनाव में मैं ही हूं। आज सुबह काफी अपसेट लग रही थी ममता बनर्जी, एक बार फिर वो सीक्वेंस आपको सुना देते हैं। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। अब उधर बीजेपी ने इंडी गठबंधन में दरार की खबर के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा है, सुनिए। मुझे लगता है कि समय रहते वो चेत गई है, वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, जो बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल बिहार में जो चल रहा है, ये दोनों लोग ये जनता को झांसे में लेकर के ये हम बड़ा तो हम बड़ा की नाटक चल रहा है, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। हम बड़ा कि हम बड़ा का नाटक चल रहा है, या जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो बट ना जाए, वो हमारी तरफ ही आए, उसको पकड़ के रखें अमिताभ जी, ये काम चल रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कुछ बयान दिए थे कुछ दिन पहले, और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो साफ दिख रहा था कि उनका भी एजेंडा तुष्टिकरण का है और खासकर मुस्लिम वोट्स को अपने पास रखने का है। देखिए लड़ाई बिल्कुल आनंद लड़ाई वहीं पे है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक है माइनॉरिटी वोट बैंक का पूरे बंगाल में, हर विधानसभा सीट हो चाहे लोकसभा सीट हो, एक बड़ा चंक है। वही हाल बिहार की कई सीटों पर है, वही हाल कई और राज्यों में भी है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी को ये चिंता है कि कांग्रेस कहीं का लोकसभा में वोट उनका छीन न ले, तो समाजवादी पार्टी भी काफ़ी आक्रामक है। उसने RLD के साथ अलायंस कर लिया है, जयंत के साथ, लेकिन उन्होंने अभी तक कांग्रेस के साथ अपने पत्ते नहीं खोले हैं समाजवादी पार्टी ने। मायावती ने भी अलग रास्ता तलाश लिया है, तो यूपी मुझे लगता है खत्म हो गया। बिहार में नीतीश कुमार ने कमर कस ली है, ममता दीदी अलग लड़ रही हैं, और बाकी राज्यों में भी कमोबेश यही हाल है। अगर वाम दलों से भी यही हाल रहा ममता दीदी और कांग्रेस का, तो मुझे लगता है वाम दलों का औचित्य सिर्फ एक स्टेट में केरल में है, बाकी सब जगह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सीट पर वहां मीटिंग में बैठकर बड़े बड़ा शेखी बगा रहे हैं जैसा ममता बनर्जी ने कहा, लेकिन उनका औचित्य सिर्फ एक स्टेट में, वो भी केरल में, उससे आगे तो नहीं है अमिताभ जी। लेकिन आप बने रहिए, क्योंकि एक प्रश्न और है। ये बंगाल में अकेले लड़ने का फैसला ममता बनर्जी ने भले ही आज खुले तौर पे बताया हो, लेकिन परसों रात को पोस्टर फटते हैं और इशारा कल ही मिल गया था। रैली में उन्होंने CPM पर सवाल खड़े किए और कांग्रेस पर भी बरसी थी, सुनिए इसे। और बंगला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जो मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं CPM मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी के ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, आशिका हमारे साथ हैं। अमित, सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने कहा 300 सीटें ऐसी हैं भारत भर में जहां स्ट्रेट फाइट बीजेपी और कांग्रेस का है, कांग्रेस वहां लड़े, जहां जहां क्षेत्रीय सत्रह बलवान है उनको वहां लड़ने दीजिए, आप अपना वोट उनके फेवर में कंसोलिडेट कीजिए। यानी 243 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और उन्होंने कहा इंडी गठबंधन या INDIA नाम भी हमने सुझाया,
लेकिन वहां पर एजेंडा पर बैठी सीपीएम है जिसके खिलाफ मैं 34 साल लड़ी हूं। ये बंगाल की डायनामिक्स ऐसी है कि यहां वहां वोट ना बढ़ जाए, क्योंकि ममता बनर्जी को भी पता है कि बीजेपी अगर उरूज पे है और 18-22 का स्कोर पिछली बार था उससे ज्यादा एट्रिशन हो गया, बीजेपी को और सीटें मिल गई, तो उनकी पकड़ बंगाल में ढीली हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ममता बनर्जी के पिछले 30 साल के राजनीतिक जीवन का अगर हम नजर डालें तो हर बार वो एक अपने दिल से बोलने वाली नेता के तौर पर जाने जाती, स्पष्टता से बोलने वाली नेता के तौर पर जाने जाती, विरोधियों के ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए जाती है, और सबसे बड़ी चीज है कि वह बंगाल उनके लिए प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कई बार उनको नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनको लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी प्रायोरिटी हमेशा बंगाल ही रही है। और उसी को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव में जब उनके सामने जब अपोजिशन होगी, बीजेपी पश्चिम बंगाल में मुख्य प्रतिद्वंदी होगी, तो उनका यही कहना है कि अगर तृणमूल ही लगी, तृणमूल के सबसे ज्यादा चांसेस है बीजेपी को वहां पर हराने के, और कम से कम अगर हम इस क्षेत्र में अपने आप को मजबूत करें तो इसमें हमारा ज्यादा भला होगा। और इसीलिए उन्होंने अकेला चलो चलने का ये बहुत अहम ऐलान किया है, और ये जो उनका ऐलान है इन तस्वीरों को भी आनंद एकदम झुठलाता है। कुछ दिनों पहले अगर हमें याद होगा इंडी गठबंधन की एक पूरी बैठक हुई थी जिसमें शरद पवार, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद के बीच एक मधुर संवाद की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन आज उनके इस बयान ने सब कुछ एकदम मामला साफ कर दिया, और ये ममता बनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह साफ कर दिया कि उनके लिए बंगाल प्राथमिकता है और उसकी कीमत पर वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगी और किसी को भी अपना स्पेस नहीं देंगी। जी, और स्पेस देंगी भी क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात है 42 बंगाल में 40 बिहार में, चंद्रमोहन 82 सीटें तो यही हो गई, और अगर बंगाल में इस तरह की खलबली है तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न उनकी 100वीं सेंटिनरी पर दे करके उसका घोषणा भारत सरकार ने घोषणा की, और नीतीश बाबू ने अलग से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत सुंदर लेख भी लिखा कि कहा कि मैं प्रत्यक्ष कभी कर्पूरी ठाकुर जी से मिला नहीं हूं, लेकिन कैलाशपति मिश्रा जी से मैंने उनकी व्याख्या सुनी और उन्होंने जो समाज के लिए किया वही हमारी नीतियां हैं। वहां कह रहे हैं कि नीतीश बाबू भी गवर्नर से मिलकर आए हैं, क्या हो रहा है? आप जहां खड़े वहां काफी भीड़ भी दिख रही है, कहां पर हैं आप? बिल्कुल, देखिए हम बीरचंद पटेल पथ पर खड़े हैं जहां की सुबह से ही गहमा गहमी है कर्पूरी जयंती को लेकर कि आखिर कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। एक तरफ जेडीयू है, दूसरी तरफ आरजेडी है, और तीसरी तरफ कांग्रेस है, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कर्पूरी हमारे हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने पहले ट्वीट किया, उसको डिलीट किया और दूसरी बार ट्वीट करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया, ये कहीं ना कहीं कुछ और इशारा कर रहा है। और जो अभी बंगाल में आज देखने को मिला, जाहिर सी बात है इसका असर भी बिहार में देखने को मिलेगा, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर पिछले कई महीने से लगातार जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि सीट का बंटवारा जल्द हो जाना चाहिए। 31 दिसंबर डेडलाइन था लेकिन वो खत्म हो चुका है। लालू यादव ने आज से एक सप्ताह पहले कहा कि इतनी जल्दी क्या है सीट बंटवारे का, वहीं जेडीयू बार बार यह कह रही है कि सीट का बंटवारा अभी नहीं हुआ तो फिर आगे चलकर परेशानी हो सकती है। और अभी ममता बनर्जी का यह ऐलान कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के मन में जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है जिसका फलाफल जल्द ही सामने आने वाला है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो चाल चलते हैं और जो नए तरीके का फंडा अपना कर कहीं जाते हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार में भी देखने को मिला। और जिस तरह से नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में दूरियां अभी हाल के दिनों में बढ़ी है, यह साफ तौर पर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में जो ममता बनर्जी ने बंगाल में कहा था खेला होबे, वो हो सकता है कि बिहार में कहीं ऐसा ना हो कि खेला हो जाए।